ठहराते हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि हमने टूरिस्ट को रोकने के लिए जो नाके स्पेशली इस्टेब्लिश करने थे वो कर दिए हुए हैं, और इस वक्त मरसेरा के शहर से ही जैसे ही गाड़ियाँ निकलती हैं उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। और ऐसे सियाह जो कि दूसरे अजला या दूसरे शूबों से आ रहे हैं, हत्ता कि यहाँ मरसेरा की शहरी भी अगर नारान की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम उनको नहीं जाने दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है और तहरीरी तौर पर अहकाम जारी हो चुके हैं, दफ़ा 144 भी नाफिज़ है। इसमें मैं एक बात करता चलूँ, कुछ लोग बजरिया टेलीफोन रबता करके पहले से पूछ रहे हैं, मैं ऐसे लोगों को अप्रीशिएट करता हूँ कि वो अपने सफ़र पर रवाना होने से पहले तसली कर रहे हैं, तो उनको फिर आप इनकार कर रहे हैं तो वो अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहे हैं। तो बाकी हजरात जो बग़ैर पूछे आ रहे हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि बरए मेहरबानी हमारे फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो करें, और जो आपको हिदायात दी जा रही हैं उन पर अमल करें। कोरोना की वजह से सख्त पाबंदी है और हम टूरिस्ट को आगे नहीं जाने दे रहे, सिर्फ मकामी लोगों को आगे जाने की इजाज़त है। तो बाकी जो भी दीगर अजला और सूबों से लोग आ रहे हैं वो अपना मनसूबा बरए मेहरबानी चेंज करें और वापस अपने अपने घरों को चले जाएँ। शुक्रिया। आप मर्दान से आए हैं और ये बर्तन वगैरह लेकर आप जा रहे हैं फौजगी पर? जी। अच्छा, और मेरे भाई वो बात करो जो बात होती हो। टूरिस्ट बंद है? टूरिस्ट बंद है। बंद है तो गाड़ी वापस करें और वापस चले जाएं सर। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो वापस आ जाएं। आप बैठे गाड़ी में, आप गाड़ी में बैठे, प्लीज़ गाड़ी में बैठे। हाँ, वापस हो जाए। नहीं, गाड़ी के नंबर पास करवाएंगे।